हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से फेम पाने वाले एक्टर यश के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यश से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे, तो यश ने जवाब दिया, फिलहाल नहीं, अभी मैं अपनी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहूँगा और कन्नड़ सिनेमा को और आगे ले जाना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि उन्हें बॉलीवुड से काफ़ी ऑफर आए हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यश को बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यश के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश बताते हैं कि अमिताभ की पुरानी फिल्मों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यस ये भी बताते हैं कि केजीएफ मूवी में रॉकी का रोल प्ले करने के लिए भी मैंने अमित सर की फिल्में देखकर ही तैयारी की। बात करें यंग एक्टर की तो यश को रणवीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत पसंद है। कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। यश की ये इच्छा है कि वो जिंदगी में एक बार जरूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करें। यश और उनकी वाइफ राधिका ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया है जिसका नाम यशो मार्ग फाउंडेशन है। इस संस्था की शुरुआत कर्नाटक के कोपाल जिले से हुई, जिसके तहत 4 करोड़ रुपए का सूखाग्रस्त इलाकों में पानी दिया गया। इस ट्रस्ट के अलावा भी यश बहुत बार चैरिटी करते नजर आते रहते हैं। यश का केजीएफ मूवी का दाढ़ी वाला लुक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और बहुत से लोग उनके जैसा लुक रखने लगे, पर यश की खुद की वाइफ को उनका पुराना वाला लुक ही पसंद था। इसीलिए जैसे ही मूवी की शूटिंग खत्म हुई, राधिका ने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बियर्ड छोटी करा लें। तब यश ने 2 सालों बाद अपनी दाढ़ी कटवाई थी। केजीएफ मूवी में गरुणा का रोल प्ले करने वाले एक्टर का रियल नेम राम है और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम पिछले 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड हैं। जब मूवी के डायरेक्टर मूवी का ऑफर लेकर यश के पास गए थे, तभी उन्होंने राम को नोटिस किया और ये रोल ऑफर किया। राम को एक्टिंग पहले से आती थी, पर ये रोल परफेक्टली कर सकें इसके लिए यश ने राम की बहुत मदद की थी। यश को कई बार दूसरे एक्टर जैसे प्रभास, विजय देवरकोंडा और रामचरण से कंपेयर किया जाता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलते हैं सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं और ये जरूरी नहीं कि एक एक्टर हमेशा हिट फिल्म ही देता रहे। कुछ फैंस दूसरों से कंपेयर करके मुझे बेहतर साबित करते हैं, पर यही लोग मुझे गलत भी साबित करेंगे जब मैं फ्लॉप होऊंगा। बात करें यश के अवार्ड्स की तो उन्हें मोगिना मानसू मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, मिस्टर एंड मिसेस रामचरी मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मास्टरपीस मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड्स में हीरो ऑफ द डिकेड का अवार्ड, केजीएफ चैप्टर 1 मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड में बेस्ट एक्टर, SIIMA अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और स्टाइल आइकॉन ऑफ साउथ इंडिया अवार्ड्स और भी बहुत से अवार्ड्स इसी मूवी के लिए मिले। एक ही मूवी द्वारा सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के नाम था, पर केजीएफ मूवी ने नहीं, अकेले यश ने ही इस फिल्म से 10 अवार्ड्स जीत लिए, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बराबर हैं। यश अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं। वो अपनी ही कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स में प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुके हैं। नंदू ओकुला सीरियल में यश की को स्टार थी राधिका पंडित। सभी ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया और वहीं राधिका और यश भी एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ही लोगों से नजरें बचाकर एक दूसरे को डेट करने लगे। सिर्फ सीरियल में ही नहीं, राधिका और यश ने साथ साथ 4 फिल्में भी की हैं। यश और राधिका 2004 में मिले थे और वो दोनों एक दूसरे को 12 साल तक डेट करते रहे। इतनी लंबी रिलेशनशिप चलने के बाद साल 2016 में उन दोनों ने शादी की। यश और राधिका की शादी तक बहुत कम लोग ये जानते थे कि ये कपल डेट कर रहे हैं। यश ने अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को
ओपन इनविटेशन दिया था। यश राधिका के बारे में बोलते हैं कि उन्हें राधिका के साथ काम करना अच्छा लगता है और वो ही मेरी फेवरेट को स्टार रही हैं। यश और राधिका के दो बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम यथर्व है और उनकी बेटी का नाम आयरा है।